वहीं नागालैंड में मजदूरों पर सुरक्षा बलों की फायरिंग को खुफिया एजेंसियों की असफलता माना जा रहा है। वहीं मोदी सरकार पर 2015 में हुए नगा समझौते को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नागालैंड और मेघालय से सेना को विशेष अधिकार देने वाले कानून अफ्सपा को हटाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। सुरक्षा बलों की फायरिंग में आम नागरिकों की मौत की घटना ने एक बार फिर से पूर्वोत्तर राज्यों में सेना और सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देने कानून अफ्सपा को हटाने की मांग तेज कर दी है। मेघालय के मुख्यमंत्री नेफियो रियो ने केंद्र सरकार से इस कानून को तुरंत हटाने की मांग कर डाली है। मिनिस्टर से बात किया, वो उन लोग का वोट सीरियस ले रहा है, उन लोग को 11 लाख दिया और अभी 5 लाख दिया और इंजर्स को 50,000 दिया। एसपीए तो ये जो हम लोग भी हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछता है ये कि ये रिमूव करो, किस लिए हम हिंदुस्तान है। वहीं मेघालय भी अफ्सपा हटाने की मांग के समर्थन में उतर आया है। राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने भी यही मुद्दा उठाया। बहरहाल इस घटना ने एक बार फिर से राजनीति तेज कर दी है। 4 दिसंबर को जो दर्दनाक वाकया हुआ मोन जिले में नागालैंड में, हमारी ये मांग है कि उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए एक सिटिंग हाईकोर्ट जज द्वारा, और उसके साथ साथ जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की इम्यूनिटी है उसको सरकार को इन्वोक नहीं करना चाहिए। हालांकि सेना ने इस घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश भी दे दिया गया है। वहीं प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक की अगुवाई में एक 5 सदस्यीय विशेष जांच दल बनाई है जो महीने भर के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। कोहिमा स्थित रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित शर्मा के अनुसार उग्रवादियों की संभावित गतिविधियों की विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर इलाके में विशेष अभियान चलाया गया था। सेना को सूचना मिली थी कि विद्रोही गुट के आतंकवादी कहीं जा रहे हैं। पुलिस भी मानती है कि ये गलत सूचना थी। इसके बाद आम लोग भड़क गए और सुरक्षा बल के कैंप का घेराव किया। हालांकि सेना की दलील है कि स्थानीय लोगों ने उग्रवादियों को बचाने सेना पर हमला किया, लेकिन ये लोग समय समय पर नागा विद्रोहियों का समर्थन करते रहे हैं। लेकिन पुलिस समेत राजनीतिक दल इसके लिए खुफिया एजेंसियों को जिम्मेदार बताती है। दूसरी तरफ मोदी सरकार के बहुप्रचारित नागा समझौते को लेकर भी विपक्ष जमकर सवाल उठा रहा है। मोदी सरकार के समझौते की शर्तों का खुलासा नहीं करने पर पहले से ही विरोधी दल आक्रामक रहा है। 2015 में केंद्र सरकार ने NSCN के इसाक मोइबा गुट के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2017 में भी नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप जैसे 7 विद्रोही गुटों को शांति समझौते में शामिल किया गया था, लेकिन NSCN ने हाल ही में मोदी सरकार से तय शर्तों पर अमल न होने को लेकर निराशा जताई है। NSCN के एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि 6 साल बीत जाने के बाद भी भारत सरकार की ओर से अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, नागाओं के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जा सकता। उधर केंद्र सरकार का कहना है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के साथ बातचीत जारी है, जल्द ही कुछ सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। बहरहाल पूर्वोत्तर में शांति बहाली के मोदी सरकार के दावों पर इस घटना से पलीता लग गया है।